फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीडो के कैपिटेक्स। आज कैसे आप सब उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 18 T20 मैच के बारे में। दोस्तों मैच होने वाला है पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। और हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। ये मैच होने वाला है 13 अप्रैल को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंदा स्टेडियम मोहाली इंडिया में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो वहीं पहली टीम पंजाब किंग्स की बात करें तो जहां 5 मैच में से 3 मैच जीत के आ रही है तो वहीं 2 मैच हार के आ रही है। वहीं दूसरी टीम अगर गुजरात टाइटंस की बात करें तो जहां 5 मैच में से 4 मैच जीत के आ रही है और 1 मैच हार के आ रही है। अगर टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पे गुजरात टाइटंस 1 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दो टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेस में तो जहां पे पंजाब किंग्स 4 मैच जीत के आ रही है तो वहीं गुजरात टाइटंस 6 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पे गुजरात टाइटंस 2 मैच से आगे चल रही है। तो ये रहे दो टीमों का हेड टू हेड। अब आगे बढ़ते फ्रेंड, ज़्यादा देर न करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेस में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहां पे पंजाब किंग्स का 60% देखने को मिल रहा था वहीं गुजरात टाइटंस का भी 60% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो पंजाब किंग्स का 169 है तो वहीं गुजरात टाइटंस का 163 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो पंजाब किंग्स का 209 है तो वहीं गुजरात टाइटंस का 204 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो पंजाब किंग्स का 133 है तो वहीं गुजरात टाइटंस का भी 133 है। अगर कंपेरिजन के मामले में बात करें तो यहाँ पर इक्वली दोनों का कंपेरिजन देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी तो हैजी सनशाइन देखने को मिल सकती है, 36.5 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगी। अगर वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 86% रहेंगी, वहीं 0% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज का मैच के वेदर की रिपोर्ट। पढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है तो इस पिच का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो इस पिच पे 168 में भी रन लग सकती है। वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में भी लगभग उतना ही रन में भी जा सकती है। वहीं अगर इस पिच पे देखें तो टोटल अभी तक 57 मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफ़ी जबरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो यहाँ पे जो भी टीम अगर टॉस जीत के बॉलिंग करती है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि डिफेंड करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि डिफेंड में बहुत कम रन लग सकते हैं इस पिच पे। वहीं अगर चेस करने वाली टीम की बात करें तो इजली वे में मैच चेस कर सकती है इस पिच पे। तो काफ़ी अच्छी पिच है, जितने भी अभी तक मैच खेले गए हैं अधिकतर मैच चेस वाली टीम जीती है, वहीं डिफेंड में कम मैच जीती है इस पिच पे। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम पंजाब किंग्स की बात करें, नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है, फॉर्म में चल रही है। वहीं अगर बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल सकता है। अभी तक टोटल 3 मैच खेल के आ रही है जिसमें से 2 मैच जीत के आ रही है तो वहीं 1 मैच हार के आ रही है। वहीं दूसरी टीम अगर गुजरात टाइटंस की बात करें, नो डाउट काफ़ी अच्छी ये भी टीम है, इनके बॉलिंग काफ़ी तगड़ी देखने को मिल रही है, पिछले साल की तरह इस साल भी पूरी तरह फॉर्म में चल रही है। अगर तो फाइनली हमने हर एक चीज़ पर अभी डिस्कशन कर लिया, फाइनली चलते हैं लास्ट विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए पंजाब किंग्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखते। तो आप लोग क्या लगता है अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।